चढ़ाया
जमीन कितना कीमती है, जन्नत भी उतनी कीमती नहीं जितना कीमती मोमिन है। अब दूसरी बात अभी से समझे, तीन चीजें मोमिन से जो जुड़ी थी और उसकी निस्बत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़कर बताई कावर बदला से। तीन चीजें मोमिन की जान, मोमिन का मान, मोमिन की इज्जत, तीन चीजें हो रही है। मोमिन
Yeah, I am.
उस अपनी करने वाले को भेजा जाए। कहा किसको भेजे हुए प्यार ने हमारी मिसाल को मुकर्र किया। वर्षों से उसके दिल में तमन्ना थी मुस्लिम की हुकूमत के साथ रे की हुकूमत, वो चाहता था कि रे की हुकूमत में मिल जाए। वह प्यार ने कहा मुस्लिम की हुकूमत तेरी उसके साथ साथ वे कभी तुझे परवाना दिया जाएगा, लेकिन तुझे करना ये है कि हुसैन के मुकाबले पे जाओ, पहुंच जाओ करबला की जमीन के ऊपर, हमारे में साथ में खाना। तो जान सदर के इस रास्ते के अंदर सिवाय घाटे और दवाई के कुछ नहीं है। हुसैन के मुकाबले में जाना अपने दीन को बर्बाद करना है, जहन्नम वसी करना है। पहले खाना मना किया तो सियार ने कहा अच्छा फिर तैयार हो जाओ मुस्लिम छोड़ने के लिए और रेखा पाप छोड़ो। इसको हुकूमत का लालच ऐसा सवाल हुआ कि इसने फोन कर दिया और हमारे में साहब आ गया करबला के मैदान के अंदर हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के मुकाबले को आगे। हमारे इब्ने साहब की रिश्तेदारी भी होती थी इमाम हुसैन से। हजरत इमाम पाक ने जब सामने आया उसे कहा कि तेरा मेरा रिश्ता है कारोबारी है तो उसका कुछ ख्याल कर। ये कहने लगा मुझे कुछ ख्याल नहीं, मुझे तो रे की हुकूमत चाहिए। बुजुर्गों ने कहा कि यजीद अपनी हुकूमत की हिफाजत चाहता था। ये सारा काम तो है करबला में इमाम पाक की मुकाबले में भेजा जा रहा है, कत्ल हो रहा है, गुर्दी हो रही है, असल इसकी वजह क्या थी। बुजुर्गों ने तारीख पे लिखा है बुजुर्गों के अखबार में कि यजीद अपनी हुकूमत की हिफाजत चाहता और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बनियाद यजीद के दरबार में अपनी पावर चाहता था। ये पढ़े ये इतने ये हिंदू काम कर रहे यजीद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हमारे में साहब ये बड़े बड़े हैं और ये दुनिया के तरफदार हैं, इनके दबावों पर दुनिया छाई हुई है। यजीद अपनी हुकूमत की हिफाजत चाहता था, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद यजीद के दरबार में मोहम्मद चाहता था, अमर इब्न साहब हुकूमत चाहता। ये तीनों अपने बच्चा के अंदर पूरे लगे थे। अल्लाह ने के अमर इब्न साहब वहां पर एक हजार फौज का दस्ता लेकर और आ गया और रोज पर रोज करबला के मैदान के अंदर चारों तरफ से फौजी बुलाकर पहले के अंदर बिठाए जा रहे हैं, चारों तरफ से नाकाबंदी हो रही है, हदबंदी की जा रही है। कोई मौका कोई जगह ऐसा ना रहा है कि जहां से हुसैन जा सके, लेकिन ध्यान रखिए हुसैन जाने के लिए नहीं आए बल्कि यहां पर तो दीन बचाने के लिए आए। लेकिन उन लोगों के सामने अपनी बात को इजहार कर देंगे ताकि लोग इस बात को समझ लें कि हुसैन ने हर हर बार से ऐसे मामले उज्जत कर ली। अमर इब्न साहब पहले से ही ये चाहता ना था कि मेरे हाथ हुसैन के मुंह में रंग हो। जब वो वहां पर आया और उसने कहा है हुसैन सारा मामला खत्म हो जाएगा, तुम यजीद की बैठ कर दो।
इसके लालच सवार जिनने कहा नहीं नहीं मैं ये काम करूंगा। उसका जवाब आया तो उन्होंने कहा ये हुसैन मैंने कोशिश करी लेकिन फासला बनी, अब कुछ नहीं चलेगा, आप तैयार हो जाइए यजीद के नाम पे बैत करने के लिए। ये सिलसिला चलता रहा। मुहर्रम की जब 7 तारीख आई तो आनंद यह हो गया कि मेरे बाप के ऊपर चारों तरफ पहले लगा दिया, पानी भी बंद कर दिया गया और कहा कि अगर मैं हुसैनी के अंदर पानी का एक खतरा नहीं जाना चाहिए, चारों तरफ पानी की नाकाबंदी हो गई, खाना पहले से खत्म हो चुका था, हम साफ थे, वो बच्चे जमीन वो रेती की जमीन पथरी की जमीन और आनंद यह जो जमीन था कि अगर वहां खुदाई की जाए तो वहां पानी की जगह कौन निकलता है। जब खेमे आड़े गए थे तो देखा तब से आप हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने जहां पर खोदा वही खून निकला और ये खून आज नहीं बल्कि हजरत अली करम अल्लाह वजह करीम जैसे सिद्दीक से जब वापस आ रहे थे एक आप आपके ऐसी सरमी के ऊपर बाप को बाप के अंदर आपने देखा कि खून का दरिया है और मेरा बेटा हुसैन दरिया के अंदर हाथ कर आ रहा है, वो भी लगा रहा है। तो आके आप खुली पूछा लोगों से ये कौन सी रमी है, लोगों ने कहा कि मैं नवा की जमीन है। और कोई नाम इसको घर को बड़ा भी कहते हैं। सच फरमाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मेरे बेटे हुसैन को करवा की जमीन के ऊपर उनका प्यासा रखकर शहीद किया जाएगा। लोगों मैंने आप के अंदर देखा है हुसैन को इस जगह के ऊपर खून के दरिया में गोते लगाते हुए, ये आपने निशान बताया कि यहां पर हुसैन का खैमा लगेगा, यहां पर जानवर काटे जाएंगे, यहां पर जिनाने बोतल होंगी, यहां फला का खैमा होगा, यहां फुला का खैमा होगा, सारी आपने हदबंदी करके बता दी। तो पता ये चला पहले से ही मालूम था ये जमीन खून से भरी हुई है। उस जमीन के ऊपर आज नबी का नवासा है, 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। बाप के जरिए गुप्तों के जरिए मसला हल करना चाहा लेकिन उनके दिलों के ऊपर मोहर लगी हुई थी। खेमे के अंदर पानी खत्म हो गया, 8 तारीख को चाहा इसी तरीके से वो पानी में जाए लेकिन यजीदियों ने पानी देने से इनकार कर दिया। 9 तारीख को चाह पानी में जाए फिर इनकार कर दिया। वही हमदानी गए जाने के बाद कहा उनको साफ मना कर दिया। मैं हुसैनी के पास खड़ा खोला तो वहां पर थोड़ा सा पानी निकला जिस था कि ये फिर उससे मुलाकात हो जाए और हुसैनी खेमे के अंदर जो मासूम बच्चे हैं उनके हलम तर हो गया है लेकिन वो थोड़ी ही देर के लिए फिल्म बंद हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वह गुजरता जा रहा है और यजीदी अपनी आत्महत्या बढ़ाते जा रहे हैं। 9 तारीख की रात आई जब आशूरा आई जो क़यामत सुबह बनकर छा गई। सारी रात खेमे के अंदर नबी के घराने वालों ने ऐसी इबादत करी, ऐसी इबादत
I mean,
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.